तो आज है 29 जुलाई और अभी बज रहे हैं 10:19। तो बनमसा में अभी आया हूँ और अभी मैं पिताजी का वेट कर रहा हूँ कि पिताजी मिलने आने वाले थे, तो मैंने कहा पिताजी से मिल के जाता हूँ। सुबह वही उठ गया था आज, बल्कि आज 6:06 में 10 मिनट पहले ही उठ गया था अलार्म से पहले। तो वॉकिंग कर ली थी, मम्मी तो आज नहीं गई थी, और रियाज कर लिया था मैंने। कोई एक स्पोर्ट्स कार दिखा रहा हूँ, बढ़िया स्पोर्ट्स कार। ये देखो 20 सिलेंडर इसमें, और ये एसी तो पता नहीं कहाँ कहाँ लगा हुई है। भी अगर ग्राहक हो इस कार के तो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। सस्ती दरों में स्पोर्ट्स कार आपको मिल जाएगी करीब 80 लाख के आसपास की, भागेगी एकदम ये 408 की स्पीड में। ये यहाँ पर ठीक किराए पे यहाँ बहुत सारी टैक्सीज लगी हुई हैं, पहले उतना डेवलप नहीं था, बट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है बनमसा भी। ये है अपना पाटनी तिराहा, ये और ये है टनकपुर से रोड आ रही है, खटीमा को जा रही है, और ये इधर अपना नेपाल की तरफ कड्डा चौकी, और यहाँ से टुक टुक वगैरह आपको दिख जाएंगे जिससे आप लेके जा सकते हो आराम से। पिताजी ने वैसे कहा था कि SBI के पास आके खड़े हो जा रहा था, SBI पे आ तो गया हूँ मैं, लेकिन पिताजी का कोई नाम निशान नहीं है अभी। मेरी डबल वॉकिंग हो गई है आज, बैठता हूँ मैं गाड़ी पे थोड़ी देर, फिर देखते हैं आगे क्या करना है करके। कितना इंतजार करना पड़ेगा पिताजी, और कितना इंतजार करवाओगे। और आज भी ट्रेन हमें देखने को मिल गई, पिताजी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने एक शॉप में कुछ सामान छोड़ा है, तो वो सामान उठा लेता हूँ मैं, बाकी ट्रेन एंजॉय करो। तो अब वापस लौट रहा हूँ, बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह ले लिया है मैंने, बाकी अब घर पहुँच के मिलते हैं। तो अभी अभी पहुँचा हूँ मैं बनमसा से, जूते खोल ले रहा हूँ और खाना आने वाला है अभी, और फिर खाते हैं खाना, और मम्मी कर रही है वीडियो शूट। जूता यहाँ रख देते हैं जरा। तो 12:51 हो रहे हैं अभी, और फिर इसके बाद अभी खाना खा के फिर लगते हैं टास्क पे, और पकड़ते हैं एग्जाम प्रैक्टिस को और रीडिंग प्रैक्टिस को। भाभी आज मेरे को क्या सिर बुखार जैसा है, बता दी यार, खाना लग रहा है अभी। आज भाभी लोग की छुट्टी है, बाय। तो अब करते हैं हम पहलना शुरू, मम्मी की थोड़ी तबीयत ढीली हो रही है, बट ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी, ठीक हो जाओगी। मैं उस दिन ठीक हुई जितना बेटा मेरी शादी करके बहू लेके आया। आपकी शादी करके आपके लिए बहू लानी है? आपने शादी करनी है। अच्छा, मैंने शादी करनी है। माँ कहना चाह रही है कि मेरी शादी हो जाए, करेंगे ना जल्दी, कुछ सेटल तो हो जाओ, थोड़ा धंधा पानी तो जमे, तभी तो होगी शादी। बेचारी लड़की परेशान हो जाएगी, ऐसे ऐसे घर में कहाँ रहेगी गर्मी में, वो देखो पंखा भी नहीं चल रहा, लाइट जा रखी है। आजकल पता नहीं क्यों आ रहा है, रोज दूध गिर जा रहा है हमारा, ये बिल्ली के लिए हो जा रहा है फिर दूध जो बच रहा है ऐसे। अब मैं जा रहा हूँ खाना खा के अपना थोड़ा असाइनमेंट करने और मैथ्स प्रैक्टिस करने और रीडिंग प्रैक्टिस होती है। थोड़ा असाइनमेंट कर लेते हैं, थोड़ा मैथ्स प्रैक्टिस कर लेते हैं, और थोड़ा ज़रा इसको पढ़ लेते हैं, और फिर शाम को जाऊंगा मैं, सोच रहा हूं कि बाइक बनाने चले जाऊं, क्योंकि बाइक की थोड़ी हालत ख़राब हो रही है, बार बार कार निकालो तो इकोनॉमिकल भी नहीं होता उतना, तो बाइक में सही रहेगा। तो अभी मैंने कम्प्लीट कर लिया है आज का मैथ्स प्रैक्टिस और अपना असाइनमेंट, और मौसम बाहर देख रहा हूं बड़ा बढ़िया सा हो गया, थोड़ा ब्रेक लेता हूं अभी। थोड़ी देर हवा खाता हूँ, फिर देखता हूँ अगर मौसम सही रहता है, उस तो बादल लग गए हैं ऊपर, तो बाइक लेके जाता हूँ और बाइक बनाता हूँ। बाइक में क्या है, पहले मेरे को पास में जाकर थोड़ी हवा भरानी पड़ेगी, और फिर उसको असली तरीके से रिपेयर कराना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हवा भराऊंगा वो रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। गई है वानी पार्टनर अपनी, गुड इवनिंग। फ्रेंडली नहीं होना है मुझसे, फ्रेंडली नहीं, मम्मी मारती फिर। तो मौसम बढ़िया और है, पहले चाय पी लेते हैं, तुलसी के पत्ते ले लेते हैं। तो आ गए हैं तुलसी के पत्ते, चलते ज़रा किचन की तरफ। मौसम लेकिन एकदम बढ़िया हो गया है एकदम से। मैंने ऐसे ही धो दी तुलसी के पत्ते। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ शॉप में जहाँ से मुझे हवा भरानी है, पहले यहाँ रिपेयर नहीं होगा, रिपेयर बाज़ार में कराऊंगा, बट यहाँ से हवा भरा रहा हूँ अभी। ये हमारे यहाँ के हीरो के शोरूम यहाँ संभाल रहे हैं, विनय नाम हुआ आपका जी। ये हमारे मिस्टर विनय,
ठीक है, थैंक यू। ओके। जिम जाते हो? हाँ। सही है, सही है। एक नई बात पता चली है, ये जो विनय साहब हैं ये हमारे मिस्टर चंपावत हैं इस बार के, तो कुछ बताओ आप किस टाइप से रहा आपका टूर्नामेंट वगैरह जो भी था? बढ़िया ठहरा, टूर्नामेंट जैसे होता है। अच्छा, जैसे तुम्हारा कॉम्पिटिशन खेला हमने, वहाँ बताया हमें कि मतलब कि पोजिंग करो, ये करो, वो करो, तो हमने भी स्टेट पे गए, वहाँ मंच था बड़ा था। अच्छा, वहाँ पर पोजिंग करी, सब करा। अच्छा, 60 लड़के थे, 60 लड़कों में 4 लड़के आए बाहर, वहाँ के थे बाकी दो, बाकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड तो वहाँ के थे, थर्ड यहाँ का मैं आ गया था बस। तो ये देखो ये हमारे चंपावत की शान मिस्टर विनय, पूरा नाम क्या लिखते हो आप? विनय कश्यप। इनसे मैं जरा थोड़ी टिप्स लेता हूँ बॉडी बिल्डिंग की, मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। अभी मैं आ गया हूँ बाजार पे, बाइक की हालत ये हो रखी है, टायर अभी निकल गए और ये सर ने हमारे बताया कि अभी बस बन जाएगा थोड़ी देर में, कुछ लिक्विड पड़ना था घर से लेकिन कह रहे अभी वो ऐसी जुगाड़ से बना देंगे। ये हमारे गोपाल जी जो हमारा बढ़िया से टायर रिपेयर कर रहे हैं, बस थोड़ी देर में हो जाएगा ये सेट। गोपाल जी क्या दिक्कत आई थी इसमें? क्या चीज? साइड है लीक है दोनों। अच्छा, साइड से लीक हो रहा है, साइड से यहाँ लीक हो रहा है, इस तरफ से ये रिम से मतलब बाहर को आ जा रही है हवा। और ये है जो लेफ्ट साइड पे बैठे हैं, ये इनके लेफ्ट हैंड है बता रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ इनका? क्या नाम हुआ? भट्टू भाई है? भट्टू भाई, हयात राम हुआ इनका। ये है इनके लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ है वो सर ने बताया हमें। तो ये मरम्मत चालू है, इसमें कुछ लिक्विड सा लगाया जा रहा है, ग्रीस है के। अच्छा, बाकी ये रही अपने बाइक के हाल। तो कर दी हमारे गुरुजी ने तैयार एकदम टायर सेट, और ये जो हमारे बाएं हाथ है ये बाएं में है अभी तक। तो ये अपना तैयार हो गया टायर मस्त करके, और अब लगा देते हैं इसको बाइक पे। गोपाल जी ने कर दिया एकदम मामला सेट, अब ले जाता हूँ बाइक। धन्यवाद गोपाल जी आपका बहुत बहुत। बाइक अपनी हो गई है डन, अब निकालते हैं इसको। तो अभी बाइक बना के मैं आ गया हूँ घर पे, अब मम्मी को एक बार थोड़ा हॉस्पिटल दिखाना है, यहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं क्योंकि थोड़ी उनको तबीयत सही नहीं लग रही है, तो एक बार उनको दिखाने ले जाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले मम्मी ने इसको दे दिया है वानी को खाना अपना, ये पेल रही है, पेलो बेटा पेलो। तो निकल रहे हैं अब हम लोग डॉक्टर साहब के पास, मम्मी आ रही है। ओह, बाहर से बंद है। आ गई मम्मी भी। तो यहाँ हम आ गए हैं डॉक्टर साहब के पास, बच्चों की चौकड़ी जमी यहाँ पर। डॉक्टर साहब और मम्मी बैठी है वहाँ पर। आप लोग अपने नाम बताओ, चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं। नाम? वंश। कौन से स्कूल में? पैरामाउंट पब्लिक स्कूल। नाम? लक्ष्य। नाम? एकांश। नाम? रुद्रा। स्कूल? पैरामाउंट। अब कुछ पागल बनती कर दो, थोड़ी सी करो डांस टाइप कर दो। और ये एक छुटकी यहाँ पर भी है, क्या नाम है आपका? साक्षी। एक साक्षी यहाँ पर भी है। मैं बिचई में। अभी बताओ रहते कहाँ पर हो? बिचई में। फिर से एक बार। अरे एक बार ये बच्चा चाहिए मेरे को, इसके पास रोज आना पड़ेगा मेरे को, वो पीछे वाला आर्टिस्ट। ये देखो ये, और ये बच्चा परेशान है कि मेरी वीडियो डिलीट कर दो। इसको कोई टेंशन नहीं है, खुश है, जिंदगी से खुश है, साइकिल चला रहे हैं बस। अमरूद की चोरी हो रही है डॉक्टर साहब के वहां पर। ये साक्षी ने भी उड़ा लिया एक अमरूद। ये बाद में
ये हो जाएगा, एक का है, ये दीदी का है। नहीं खाई थी, बगल में बहन आई भी आज, चलो वो उड़द की दाल बना बना के उन्होंने खा ली। दीदी बीमार होगी, कर ली थी मैंने, नहीं बेचारी को क्या लगा। उड़द की दाल तो खाती नहीं थी, वो जब ज्यादा लिया वो तो अच्छा है, बहन बीमार कर जाते हैं ना। क्या खा सकते हैं, बढ़िया चीज हुआ वो तो। हाँ बढ़िया हुआ, वो तनावना खाइए, मूंग खाइए, सब्जी लीजिए आप, लौकी वोकी हो गया, अपना बाई वलाई हो गया, ये करेला वगैरह हो गया, बहुत सिंपल है डॉक्टर। मतलब मुझे पता नहीं, जब भी यहाँ आती मुझे आराम लगता है, और आज फर्स्ट टाइम इन लाइफ में बीपी हाई है। तो अभी चल रही है मम्मी की सब्जी की शॉपिंग, दे रही है लौकी, नींबू ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम आए, मेरा दिल कहती है एक केले की शॉप भी है यहाँ, मतलब फल की शॉप, देवभूमि फूड्स एंड जूस सेंटर। तो यहाँ से मम्मी थोड़े केले ले रही है। तो आ गए हैं घर पे हम लोग, अभी अभी पहुँचे, अभी पहुँचे हम सब्जी लेके, और थोड़ा समोसे भी खा लिए थे रस्ते में। अभी अभी नहा के आया हूँ, और अब पढ़ते हैं थोड़ी देर बुक, और फिर अपने सारे टास्क कम्प्लीट, और फिर कर देंगे व्लॉग को एंड। Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some. हो रहे हैं रात के 8:55, और सारे टास्क में लगा देते हैं टिक, और ये लास्ट वाला डेली व्लॉग भी इसके बाद एंड। गुड नाइट। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है।